भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूर्व सीपीएस नीरज भारती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाजपा पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष विशाल चौहान के नेतृत्व में जिला मुख्यालय धर्मशाला के कचहरी अड्डा में नीरज भारती के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। वहीं नीरज भारती को गिरफ्तार करने बारे एसपी को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विशाल चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से पूर्व सीपीएस एवं ज्वाली के विधायक नीरज भारती द्वारा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और महिलाओं के खिलाफ भद्दे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे भाजपा सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस प्रमुख को ज्ञापन सौंपकर नीरज भारती के खिलाफ कार्रवाई करने तथा उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई है। विशाल चौहान ने कहा कि एक ओर जहां पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के देहावसान के शोक में लिप्त है, वहीं दूसरी ओर नीरज भारती ने फेसबुक पर स्वर्गीय वाजपेयी पर भद्दी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि भारती की फेसबुक पोस्ट निहायत ही घटिया स्तर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीरज भारती शोक की घड़ी में इस तरह की टिप्पणियां करके समाज में वैमनस्य पैदा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके नीरज भारती लोगों की भावनाओं को भड़काकर हिंसा फैलाना चाहता है। ये व्यक्ति औरतों के बारे में भी गलत पोस्ट डाल रहा है। शिमला में भी एक महिला ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने एसपी से मांग की है कि नीरज भारती के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इससे पहले कचहरी अड्डा में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने नीरज भारती के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गिरफ्तारी की मांग की तथा नीरज भारती का पुतला भी जलाया। 16 अगस्त का दिन इस देश के इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, जब इस देश के 3 बार रहे प्रधानमंत्री और भारत रत्न और न केवल भारतीय जनता पार्टी के परिवार के आदर्श, अभी तो इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के आदर्श और पूरी दुनिया की प्रबुद्ध जनता के आदर्श श्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वर्गवास हुआ। उस दिन पूरा देश गम के सागर में डूबा था, लेकिन दुर्भाग्य से हिमाचल प्रदेश के अंदर ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से 2 बार कांग्रेस का विधायक रहा नीरज भारती, जो कि पहले भी सोशल मीडिया के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां डालता है, इस प्रकार की निंदनीय टिप्पणियां वहां पर डालता है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। देश के प्रधानमंत्री, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी सांसद और प्रबुद्ध जन अटल जी के संस्कार में भाग ले रहे हैं और वहां की एक फोटो वो शेयर करता है और कहता है कि देश के प्रधानमंत्री बॉनफायर का आनंद ले रहे हैं। आज प्रदेश का युवा सोशल मीडिया के माध्यम से नीरज भारती से वही जवाब, जैसे वो बोलता है वैसे ही जवाब उससे मांग रहा है कि कल को भगवान ना करे जब चंद्र कुमार जी का देहांत हो तो क्या वो दोबारा से पोस्ट करेगा, क्या वो बोलेगा कि नीरज भारती 2 बार विधायक रहा है वो अपने पिता के बॉनफायर का आनंद लेगा। इसके अलावा भी पहले भी और इसी कड़ी में प्रतिभा वाली, जो कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश की एक स्थानीय महिला है, उसके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है, उनके चरित्र के ऊपर टिप्पणियां करता है। युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता गुस्से में है, आक्रोशित है और हम हिमाचल की महिलाओं का सम्मान करते हैं और नीरज भारती की निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से और पूर्व में रहे मुख्यमंत्री और इस नीरज भारती के जो राजनीतिक आका है वीरभद्र सिंह जी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये जो राय है नीरज भारती की, क्या ये कांग्रेस पार्टी की राय है? आप जवाब दें। आज उनके प्रवक्ता ने ये बयान दिया, मैं उसकी भी आपत्ति करता हूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू जी से ये मांग करता हूं कि बयान स्पष्ट करें, क्या ये कांग्रेस की मानसिकता है? अगर ये कांग्रेस की मानसिकता नहीं है और नीरज भारती को वो कांग्रेस का नेता मानते हैं तो वो क्यों ने उसको पार्टी से निष्कासित कर रही? इसलिए युवा मोर्चा आज पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर इस नीरज भारती का पुतला जला रहा है
और जगह जगह से पुलिस प्रशासन से ये मांग कर रहा है कि तुरंत से तुरंत आईटी एक्ट के तहत ऐसे असभ्य व्यक्ति को जो समाज के अंदर असंतोष पैदा कर रहा है, दंगे फसाद शुरू कराने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये बौखलाया हुआ है। अभी हाल में ही 8,000 से ज्यादा मतों से इसके पिता ज्वाली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से चुनाव हारे। ये बौखलाहट हम समझ सकते हैं, इनके राजनीतिक आका वीरभद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरे हुए हैं, इनमें बौखलाहट है। आप अपनी बौखलाहट को किसी और माध्यम से प्रकट करो, लेकिन जिस प्रकार से अपने अटल जी की देहांत के ऊपर ये टिप्पणियां की हैं, युवा मोर्चा इसको सहन करने वाला नहीं है। पूरे प्रदेश में हम पुतले जला रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि तुरंत से तुरंत इस नीरज भारती को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि प्रदेश के अंदर एक मैसेज आए, प्रदेश के अंदर ऐसे असामाजिक तत्वों के अंदर एक मैसेज आए कि इस प्रकार की टिप्पणी करने पर हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश का पुलिस प्रशासन किसी भी व्यक्ति को बख्शने वाला नहीं है, चाहे वो दो बार किसी विधानसभा का विधायक क्यों न रहा। धन्यवाद।